हम बाजार से लेमन्स लाके अचार बनाते हैं या जूस बनाते हैं। कोई लेमन्स ऐसे भी हो जाते हैं, इसका हमेशा फेंक देते हैं ना हम। नहीं, अभी मैं आज आपको इसका भी जूस निकाल के एक स्पेशल अचार बनाना सिखाऊंगी, तब तो इंस्टेंट। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गीता, विटामिन रिच, विटामिन सी रिच अचार अभी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 फ्रेश लेमन्स का जूस निकाल के रखे हैं। अगर आपके पास इवन ड्राई लेमन्स भी होंगे वो लेके गर्म पानी में भिगो के सॉफ्ट होने के बाद उसका जूस अच्छे से निकाल के रखेंगे। जब भी घर पे नींबू का अचार नहीं हो, खाने को मन हो, तुरंत बना के खा सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में बनाओ तो 1 हफ्ता तो लग ही जाता है बनने में। इवन नींबू को बॉयल करके भी अचार बनाते हैं, मगर मैं जो आपको सिखाने जा रही हूँ इंस्टेंट तुरंत खा सकते हैं। ये अचार बना के रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो 1 वीक तक खराब नहीं होगा। छोटी कढ़ाई में 4 स्पून ऑयल डाल के गर्म होने रखेंगे। गर्म होने के बाद 1 स्पून राई डाल के क्रैकल होने देंगे। अभी गैस बंद करके 1/4 स्पून मेथी पाउडर डालेंगे। अभी हम 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको कश्मीरी चिल्ली पाउडर पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। नाउ वी आर एडिंग हींग, 1/4 स्पून ऑफ हींग। सिंस लेमन्स आर सॉर इन टेस्ट, दैट इज व्हाई वी नीड टू ऐड लिटिल मोर चिल्ली पाउडर टू दिस। यहाँ पे थोड़ा हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 नींबू जूस लिए हैं, इसलिए 1.5 स्पून नमक डालेंगे। अभी ये नींबू पानी में तड़का मसाला पूरा मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हमारे इंस्टेंट नींबू जूस अचार इज रेडी टू ईट। अब इसी अचार में आपकी क्रिएटिविटी है, आप मूली डाल के बना सकते हैं या जिंजर डाल सकते हैं या करेला, कॉलीफ्लावर, एनी वाटरी वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये लेमन जूस अचार एस्पेशली दही चावल के साथ बहुत टेस्टी होता है। दिस विल बी वेरी गुड कॉम्बिनेशन विथ डोसा, इडली, दिब्बा रोटे, पोंगल, उपमा, खिचड़ी एंड सो ऑन। दिस लेमन जूस अचार इज रिच इन वाइटामिन सी, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग नोजिया। सो ये लेमन जूस अचार बनाइए, खाइए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Press the bell icon so that you will get all the notices.